हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। और मेरा नाम है जगदीश, ये है टीपू दीपू एज पर कमेंट्स, और ये है भावेश उर्फ भाऊ, और ये है जतिन, जतिन ही है। और आज हम अभी कौन सा वीडियो प्रोजेक्ट करना, हाउ बिकम SSG फुल ट्रेनिंग। अच्छा, SSG कमांडो की ट्रेनिंग है। तो इंडिया है पाकिस्तान का? पाकिस्तान। हाँ, मतलब ट्रेनिंग तो सेम ही होती है कमांडोज की। चलो पाकिस्तानी कमांडोज तो देख लेते हैं, तो मिलके देखें। ओए कमांडो, देखो पेट तो निकल रहा है कमांडो का। चलो भी निकल रहा है। चलो चलो, थोड़ा बहुत खाते हैं तो निकल जाता है। चलो तो ठीक है, मिलके देखते हैं। देखो देखें, बोलना। हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ, तू बोलना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिल गए फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तनसर हुसैन और आप देख रहे हैं बी आप पाकिस्तानी। SSG स्पेशल सर्विसिंग ग्रुप एक प्रोफेशनल वेल ट्रेंड और ग्रूम स्पेशल फोर्स होती है, और SSG के एक एक जवान को वन मैन आर्मी कहा जाता है। इसके अलावा इनको किलिंग मशीन का नाम भी दिया जाता है। इंतहाई सख्त और कठिन मराहल से गुजरते हुए एक SSG का जवान 10-10 दुश्मनों पे भारी होता है। SSG का जवान एक आम फौजी से ज्यादा ट्रेंड और ताकतवर होता है, और इसकी ट्रेनिंग ज्यादा सख्त होती है। कमांडो वो मिशन सर अंजाम देता है जो एक आम फौजी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का नाम SSG है। एक कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और सख्त ट्रेनिंग होती है। इसमें जिस्म की मजबूती के साथ साथ असाब और इरादों की मजबूती का होना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम SSG को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और SSG की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है। दोस्तों SSG में शामिल होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी होना बहुत जरूरी है, और ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हैं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या फिर नेवी से मुंसलिक हैं तो आप SSG में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि SSG आर्मी से ही बंदे चुनती है और सिविलियंस का SSG से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मतलब ये कि आपका ताल्लुक किसी भी आर्मी यूनिट से हो, आप SSG को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी आर्मी में सर्विस कम से कम 5 साल होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 साल की सर्विस वाला बंदा भी SSG में शामिल हो सकता है। और एक बात जहन नशीन कर लें कि जब चाहे आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जब SSG की वैकेंसीज आती हैं तो SSG की टीमें यूनिट्स का दौरा करती हैं। और SSG में जाने की एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप अपनी मर्जी से ही SSG में शामिल हो रहे हैं। इसमें फौजी पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाता। जब एक जवान अपनी मर्जी से तैयार होता है तो फिर उसके बाद फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि फौजी के लिए बहुत ही मामूली बात होती है। इस फिजिकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप लगाने होते हैं, 1 मिनट में 40 सिट अप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दूरी को तय करना होता है। इसको पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। SSG में जाने के लिए इंसान की हड्डियों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो आप SSG की मार नहीं सह सकते, क्योंकि ये कमांडो ट्रेनिंग है, कोई फिल्म नहीं। SSG में सिलेक्शन की गर्ज जवानों को चिराट भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एंटर होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रूल लगाना शुरू कर दो, चाहे आपने जितना भी मर्जी कीमती सूट पहना हो। SSG की ट्रेनिंग में हर गुजरता दिन एक जवान के लिए मुश्किल दिन की आमद होता है। SSG के जवान को मजबूत बनाने के लिए छित्तर का इस्तेमाल किया जाता है, जो उस वक्त तक मारे जाते हैं जब तक जवान बेहोश नहीं होता। ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ताकि एक जवान को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। अमूमन जिसे हम छित्तर कहते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है, और इसकी तकलीफ वही समझ सकता है जिसने कभी इसका टेस्ट चखा हो। इसमें जवान जितना ज्यादा चीखेगा, जितना ज्यादा रोएगा, उसकी चित्रोल ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो अगर मार से बचना है तो फिर आपको चुप करके मार खाना होगी और जल्दी ही बेहोश हो जाएं, नहीं तो चित्रोल बढ़ सकती है। इस मार पिटाई का असल मकसद ये है कि जब भी आप दुश्मन के हाथ लग जाएं तो उनकी मार भी सह लें। इसके बाद छाता बर्दारी की ट्रेनिंग होती है। छाता बर्दारी की ट्रेनिंग के बाद आपको पैराशूट से फ्री फॉल करना सिखाया जाता है, और ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको हेलीकॉप्टर से काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है।
इस ट्रेनिंग में फौजी जवान की सबसे पहली लैंडिंग इंतहाई मुश्किल होती है, क्योंकि इस छलांग में जवान को अपने होशो हवास पर काबू पाना होता है। जवान को यही लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज तक कोई भी जवान फ्री फॉल करते हुए ट्रेनिंग के दौरान नहीं मरा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि टीएम टाइगर 23 मार्च को फ्री फॉल करते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं थी। पहले 2 से 3 दिन आपको सिर्फ जहाज में बिठाकर घुमाया जाता है ताकि आपके हौसले बुलंद हो सकें, और फिर 4th दिन हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया जाता है। एक रिक्रूट के जहन में यही सवाल पैदा होता है कि आज पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट खुलता है और एक्स्ट्रा पैराशूट भी साथ ही होता है ताकि अगर एक पैराशूट ना खुले तो दूसरा खुल जाए। जब जंप का सिलसिला शुरू होता है तो कुछ दिनों के बाद आपको इन फॉल्स में मजा आना शुरू हो जाता है और आपको ये सब खेल लगता है। इस ट्रेनिंग में सबसे सबर आजमा चीज ये होती है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर में पैदल चलना होता है, जिसमें दौड़ भी शामिल होती है, क्योंकि एसएसजी में हमेशा एक ही हुक्म होता है कि बस दौड़ते हुए चलो एक जगह से दूसरी जगह पर, चाहे आप अपना जाती काम ही क्यों ना कर रहे हों। फिर पेशावर से चिराग तक आपको पैदल सफर करना होता है, किसी गाड़ी या किसी सवारी पर नहीं बल्कि पैदल, जो तकरीबन 70 किलोमीटर तक बनता है। ये एक फौजी जवान ने 30 किलोग्राम पिट्ठू के साथ तय करना होता है। इसके अलावा 36 किलोमीटर का सफर 12 घंटे में करना होता है। अगर आप इस दौड़ में या इस चलने में जरा सी भी गड़बड़ करते हैं तो आपकी दौड़ या फिर आपका चलना मजीद बढ़ जाता है और तरह तरह की सजाएं भी दी जाती हैं। इस प्रोसेस में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, स्पेशल वेपन्स की ट्रेनिंग और हर तरह की लड़ने की महारत सिखाई जाती है। इसके अलावा जंगलों में सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सबसे मुश्किल काम सांप को खाना और कच्चा गोश्त खाना, और इसके अलावा जमा हुआ खून भी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो कि एक जवान को खाना पड़ता है। इसके अलावा जानवरों का गोश्त भी खाना सिखाया जाता है, जिसमें मुर्गी, सांप और दीगर जंगली जानवर शामिल होते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, सबसे मुश्किल टास्क ये होता है कि आपको एक खतरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी होती है। यकीनन ये एक मुश्किल मरहला होता है। इस टेस्ट का असल मकसद ये होता है कि आपको हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना है। इसके बाद आता है मैप नेविगेशन का मरहला। इसमें आपको वीरान जंगल में तनहा छोड़ दिया जाता है, जिसमें आपको एक मतलूबा जगह पर टाइम से पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाए तो आपको चारों साइडों का पता चल जाता है, पर जंगल जो के बयाबान होते हैं तो वहां पर नॉर्थ साइड का पता लगाना जरा मुश्किल होता है। इसीलिए मैप नेविगेशन का ये मरहला हर फौजी की जरूरत होता है। जंगल में अगर फौजी को सूरज नजर आ जाए तो उसको नॉर्थ साइड का पता चल सकता है, अगर सूरज नजर ना आए तो फिर चांद से पता चल सकता है, और अगर चांद भी नजर ना आए तो सितारों से पता लगाया जा सकता है, और वो सितारे दुबे अकबर होते हैं। अगर सितारे नजर ना आए तो आसपास की कब्रों से पता चल सकता है, और अगर ये सारी चीजें मौजूद ना हो तो फिर जंगल में किसी दरख्त पर पत्तों से या फिर किसी फल से पता चल सकता है, और अगर फल भी मौजूद ना हो तो आप पानी में पत्ता रख कर उसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक जवान को स्विमिंग के लिए डैम के पानी में फेंक दिया जाता है। इस मरहले में आपको कई घंटे पानी में गुजारने पड़ते हैं। इस ट्रेनिंग में एक जवान के हाथ भी बांध दिए जाते हैं और फिर पानी में फेंक दिया जाता है। ये मरहला सबसे मुश्किल होता है, और इस मरहले में आपको लड़कर अपने हाथ छुड़वाने होते हैं और पानी से बाहर आना होता है। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर्स की एक पूरी टीम आपके साथ होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी भी फौजी ने, किसी भी जवान ने क्विट कर दिया हो तो उससे जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि उसको वापस अपनी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। एसएसजी में किस्मत का सही होना जरूरी है, क्योंकि अगर फाइनल परेड डे के पहले रिहर्सल के दौरान आपका बाजू या फिर पांव फ्रैक्चर हो जाए तो आप कमांडो का बैच अपने कंधे पर नहीं लगा सकते, और ऐसा कई बार हुआ है कि फाइनल परेड से पहले ही कई जवानों की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, जिससे वो कभी भी एक कमांडो नहीं बन सकते। इंसान का जख्म तो भर जाता है, हड्डी भी जुड़ जाती है, लेकिन उस जख्म का क्या कि जो एक फौजी जवान कमांडो ना बनने की वजह से सारी उम्र सहता है। दोस्तों, यही लेवल है एक कमांडो बनने के लिए। दोस्तों, जब एक जवान एसएसजी की ट्रेनिंग कर लेता है तो उसके बाद वो एक आम फौजी नहीं रहता, बल्कि उसके अलाउंसेस, उसका खाना और दीगर मरात बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल जवान होते हैं जिन्होंने हर मुश्किल टास्क को पूरा करना होता है। तो इसीलिए इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही होता है, और इनकी डाइट भी बैलेंस होती है जिससे इनका वेट ना बढ़ सके।
इस कोर्स की तकमील के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो SSG का बैच हासिल कर सके। इसके अलावा बैरून ममालिक में भी ट्रेनिंग के लिए इनको मौके फराहम किए जाते हैं। इन्हीं कमांडोज में से कुछ लोगों को ISI में भी भेज दिया जाता है, और अगर आप ISI में चले गए तो आपको खुफिया ऑपरेशन भी मिल सकते हैं। दोस्तों, SSG की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, या यूँ कहना बेहतर होगा कि इससे भी ज्यादा मुश्किल, जितनी मैंने बयान की है। लेकिन इसको करने के बाद एक जवान के हौसले आसमानों को होते हैं, और एक अकेला कमांडो कई फौजियों से लड़ सकता है। मुफाहिमत न सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी काविशों को सराहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और कॉमेंट में SSG लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। तो फ्रेंड्स, इनके चैनल को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, हमारी तरफ से आप रिक्वेस्ट है हमारे सारे दोस्तों को। और बाकी जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, SSG की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। इंडिया में NSG है, NSG हाँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG की फुल फॉर्म है। तो SSG की क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल देना। और बाकी दीपू एक बार बता दे, कमांडो बनना है बाहू को, कमांडो बनने के लिए बाहू जैसे गाल बड़े करने पड़ेंगे इसे गल गल। और जतिन को देखिए, एक तो कमांडो बनने के लिए सबसे पहले आर्मी के लोगों को ही लेते हैं, तो इंडिया में भी ऐसा ही है, कमांडो आर्मी के अंदर से ही जो बनना चाहता है उनको अप्लाई किया जाता है। फिर कमांडो की ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग में सबसे लगा एक तो सांप की खाना, सांप भी नहीं, उनको पूरी तरह से उनको पूरा किया जाता है ना, कि सांप भी मतलब कहीं जंगल में फंस जाए, कुछ हो जाए, तो फिर अब क्या खाएं, भूख लगे तो फिर वो उस हिसाब से उनको पूरा ट्रेन करना पड़ता है ना। वही बंदा निकलता है जो इन सब चीज़ों को झेल सकता है, तो उसी को कहीं ऑपरेशन भेजेंगे ना, जो ये झेल नहीं सकता फिर वो वहाँ पर भी झेल नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वहाँ पर, सिंपल चीज़ है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर करेगा, तो फिफ्थ क्लियर करेगा तो सिक्स में जाएगा ना, फिफ्थ क्लियर नहीं कर पाएगा तो फिर वहीं रहेगा। हाँ ठीक है। तो और इसमें हाथ बांध के पानी के अंदर में डाल दिया जाता है, कैसे डाला जाता है, ऐसे दोनों हाथ ऐसे पकड़ के पानी में फेंक दिया जाता है, तो उनको उस पर मतलब ये, और एक वो सबसे वो जो चमड़े के बेल्ट से जो मारा जाता है ना, तो आदमी इतनी मार सह लेता है कि उसको हैबिचुअल हो जाता है। फिर अगर आप चलते फिरते और कोई मारे, एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को, वैसे कमांडोज की मैं एक चीज़ और थी, आप में से किसी को बताओ कि ये जैसे ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट कर ली, मतलब कोई भी कमांड ने ट्रेनिंग पूरी कर ली, उसके बाद ये उसके बाद भी शरीर तो वैसे बनाए रखना पड़ता है ना, तो ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है या फिर होल्ड हो जाती है, यह बताना हमें। क्योंकि एक 6 महीने की ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई, उसके बाद वो बंदा कितने टाइम तक के लिए उसी क्वालिटी का रहेगा, क्वालिटी मतलब उसकी वही रहेगी। मान लो यूँ नहीं है आज ट्रेनिंग कर ली फिर 10 साल बाद भी उसको वैसे भेजा जा रहा है, तो मतलब उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कितने टाइम में वापस उसको उसका टेस्ट लिया जाता है, यार बताना। पाकिस्तान में, इंडिया में भी पता नहीं हमको, यहाँ पे भी होते हैं कमांडोज, बाकी जितने भी कमांडोज होते हैं सब अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए होते हैं। कोई भी टेररिस्ट अटैक हो, कुछ भी हो, तो कमांडो को सबसे पहले बुलाया जाता है। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी एक्टिव होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा उनको भी कमांडोज को। और जतिन, कुछ जतिन को क्या अच्छा लगा इसमें, वो मारते हैं, वो खतरनाक था सबसे, चमड़े के बेल्ट से मारते हैं, तक भी होश नहीं हो गया। हाँ बिल्कुल, कॉन्शियस माइंड नहीं हो जाए तब तक हो जाता। और भाऊ हाथ बांध कर फेंक देते, वो तेरे को फेंका है। हाँ क्यों, तो वो देखता है ना टाइगर श्रॉफ की मूवी, कैसी मूवी देखा, हीरो बंदी नहीं, नहीं बागी, 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 उसमें वो कमांडो होता है, वो टाइगर, वो टाइगर श्रॉफ फेवरेट है तेरा। और दीपू को वो एरोप्लेन नहीं थी उसमें से कूद रहे थे, हाँ पैरा ट्रूपर, उसमें बोला था कि आज तक किसी की डेथ नहीं हुई, तो ऊपर वाले का थैंक्स कि किसी की डेथ होनी नहीं चाहिए ट्रेनिंग में। और किसी का फोटो बताया था, उनकी डेथ हुई थी, तो एक्सीडेंट तो होते ही है, एक सपोर्टिव दो पैराशूट होते हैं, एक नहीं खुले तो दूसरा भी नहीं खुले तो फिर इंसान खुद ही खुल जाता है।
तो ट्रेनिंग में कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, बाकी एक्सीडेंट तो कहीं भी हो जाते हैं। बाकी ओवरऑल जो कमांडोज होता है उनकी ट्रेनिंग काफ़ी होती है, उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, और इसी का उनको रिवार्ड मिलता है कि उनको सैलरी पैकेज जो स्पेशल उनको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती है, और उनकी एज लाइफ भी कम होती है, रिटायरमेंट उनका जल्दी हो जाता है, क्योंकि इंसान जवान होता है तभी वो कमांडो कहलाता है, बुढ़ापे में फिर हर चीज़ की हड्डियाँ होना मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंसान के बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आप और अभी अच्छे वीडियोस आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। ये वीडियो हमें काफ़ी अच्छा लगा, उसके लिए हमारी तरफ से एक लाइक, और एक लाइक आपकी तरफ से कमांडोज के लिए एक लाइक बनता है। बाकी और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे और भी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। हमारे साथ बने रहिए, और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, उनको पानी दें, और क्लाइमेट का ध्यान रहें, और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि जितना कम पॉल्यूशन होगा उतनी फ्रेश एयर हम ले पाएंगे, और हमारी उम्र अच्छी रहेगी, और आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे इसी को सोचते हुए अपना क्लाइमेट का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय।